गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड गाइस आज की वीडियो में यार मैं बताने वाला हूँ अल्लू अर्जुन का ट्यूटोरियल कि यार आप अल्लू अर्जुन को यार इजी से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सो गाइस चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस यहाँ पर मैंने हेयर के लिए यार चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है, सॉफ्ट चारकोल का यूज़ किया है। एंड गाइस इसे रियलिस्टिक शेड कर रहा हूँ। एंड गाइस कहीं कहीं पर हाईलाइट भी दे रहा हूँ। एंड हाईलाइट के लिए यार मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा हेयर में। एंड सीधा ही मैं गैप दे दे के हेयर को बना रहा हूँ। एंड कैसे जैसे कि आप देख रहे हैं हेयर बन चुका है। अब यार राइट साइड के हेयर के लिए बनाना है। एंड कैसे इसको भी मैंने बना दिया है। और भाई यार इसको ब्लेंड करना है ब्रश से, जिससे भाई यार ये बहुत ही ज़्यादा यार रियलिस्टिक लगता है। एंड लेफ्ट साइड के हेयर के लिए भी मैंने थोड़ा और बना दिया है। एंड भाई यार ऊपर की साइड में आप छोटे छोटे बाल भी बना सकते हैं रियलिस्टिक दिखाने के लिए। सो वैसे यार मैंने बना लिया। एंड कैसे यार माथे की तरफ यार मैंने 4B पेंसिल का और भाई यार 10B पेंसिल का यूज़ किया है। एंड कैसे यार राइट साइड में जो है मैंने लाइट शेड किया है, लेफ्ट साइड में थोड़ा डार्क शेड किया है। एंड कैसे यार ब्लश से ब्राइट कर दिया है। एंड हाईलाइट दिखाने के लिए यार मैंने क्ले इरेजर का यूज़ किया है। एंड आईब्रो बना रहा हूँ अब मैं चारकोल पेंसिल से, मीडियम चारकोल पेंसिल से। एंड कैसे यार आई को भी मीडियम चारकोल पेंसिल से ही बनाया हूँ। एंड लेफ्ट साइड के लिए गाल के लिए यार मैंने यूज़ किया 10B की पेंसिल, क्योंकि ये वाली ड्राइंग में बहुत ही ज़्यादा डार्क यूज़ होने वाला है। सो गाइस डार्क पेंसिल का यूज़ करना है इस वाली ड्राइंग में। एंड कैसे यार इसे थोड़ा हाईलाइट दे देते हैं। एंड कैसे यार ब्लाइंड कर देते हैं। एंड कैसे यार नोज़ के लिए भी मैंने 10B पेंसिल का यूज़ किया है, लाइट शेड किया है बटन नोज़ की तरफ। एंड राइट साइड पर हमें बिल्कुल लाइट शेड करना है, क्योंकि वहाँ से रोशनी आ रही है, रिफ्लेक्स हो रहा है नाक की तरफ पे। एंड कैसे यार आई को भी बनाया है मैंने मीडियम चारकोल पेंसिल से। एंड कैसे यार यहाँ पे आई को पूरा मीडियम चारकोल पेंसिल से बनाया है, कोई भी यूज़ नहीं किया है 10B की पेंसिल। एंड कैसे यार राइट साइड के गाल के लिए अल्लू अर्जुन के यहाँ पे मैंने नॉर्मल शेड किया है। एंड कैसे यार ब्लाइंड कर दिया है। एंड यार यहाँ पे अब इसकी मूंछ बनाने के लिए यार मैंने यूज किया है चारकोल की सॉफ्ट पेंसिल का। एंड बियर्ड बनाने के लिए भी चारकोल की सॉफ्ट पेंसिल का यूज़ किया है बहुत अच्छे से शार्प करने के बाद। एंड कैसे यार टोमोमोनो 0 इरेजर से थोड़ी सी यार हाईलाइट दी है बियर्ड पे। एंड कैसे यार इसे मैंने बना दिया है एंड फुल चारकोल से बनाया है बहुत ही अच्छे से शार्प करके। एंड नोज़ को थोड़ा और डार्क कर देना है लेफ्ट साइड से। एंड भाई यार यहाँ पे माउथ बनाने के लिए मैंने 10B पेंसिल का यूज़ किया है। एंड कैसे यार उसे ब्लेंड किया और फिर यार हाईलाइट दिया है इरेजर से। एंड हो गया, अब इसका माला बनाना है, माला भी हमने बना लिया है। एंड गाइस यार यहाँ बियर्ड भी अपना बन चुका है बढ़िया से। एंड इसके कपड़े बनाने हैं तो गाइस यार इसके लिए मैंने 10B पेंसिल का यूज़ किया है। एंड गाइस यार फुल 10B पेंसिल से इसके मैं कपड़े बनाने वाला हूँ। तो भाई यार कपड़े तो बन गए हैं राइट साइड के। एंड गाइस यार लेफ्ट साइड से भी अभी बना देते हैं। एंड गाइस यार यहाँ पर थोड़ा सा जो है डार्क शेड करना है लेफ्ट साइड। एंड गाइस यार यहाँ से मीडियम चारकोल लेके यहाँ बिल्कुल डार्क कर देना है। एंड गाइस यार अब इसकी चेस्ट बनाएंगे। चेस्ट बनाने के लिए यार मैंने 10B पेंसिल का यूज़ किया है और यार इरेजर से हाईलाइट दिया है। सो गाइस यार अपना अल्लू अर्जुन का स्केच यार कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। और भाई यार अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए यार बाय बाय।